आज हम जीपीएस लगाने जा रहे हैं बोलेरो गाड़ी में। इसके लिए ये स्टेयरिंग के नीचे जो ये बॉक्स है इसको खोल लेंगे। सबसे पहले इसमें दो नट दिए रहते हैं, तो इसको खोल के इसमें दो नट और रहते हैं ऊपर, एक यहाँ और एक इस साइड। दोनों हमने खोल लिए, तो इसको ऐसे इस तरीके से पुल करेंगे। चाबी हमें बाहर निकाल लेंगे पीछे का। ये कवर खोलने के बाद अब ये चाबी के पीछे से जो कपलर आ रहा है, ये दो कपलर आ रहे हैं, इसी में हमारी वायरिंग होगी। ये अब आज हम बताने जा रहे हैं विदाउट मल्टीमीटर कि हम कैसे इसमें वायरिंग करेंगे, आज हम इसमें बताएंगे। ये हमारा डिवाइस का वायरिंग है, तो इसमें सबसे पहले हमें विदाउट किसी टूल के लिए लगाने के लिए, तो सबसे पहले हम ये ब्लैक वाला वायर है इसको किसी भी बॉडी के नट पर दे देंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पर नट है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं पहले। फर्स्टली फर्स्ट स्टेप इस यूट्यूब पे देना दिया। अब ब्लैक वायर हमने इसमें लगा रखा और ये डिवाइस हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो रेड वाला वायर है, ये हमें जो चाबी के पीछे सॉकेट आ रहे हैं इसमें डाल करके चेक करना है। चाबी ऑफ ही रखनी, तो एक वायर ऐसा होगा जिसमें डिवाइस की लाइट आ जाएगी। ये रेड वायर अब हम ये कपलर है, चाबी के पीछे जो कपलर आ रहा है इसमें डाल करके देखेंगे। पहले इसमें जिसे डालते हैं जो मोटी वायर है, तो हमने ये इसमें अटैच किया और ये डिवाइस में जो है लाइट आनी स्टार्ट हो गई। ये डिवाइस लाइट आ रही, इसका मतलब ये है ये हमारी डायरेक्ट सप्लाई है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट रेड वायर, हमें मिल चुका है, ये यहाँ पर लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम बताते हैं। थर्ड स्टेप है हमें इग्निशन वायर ढूंढना, जो कि ये ऑरेंज कलर का हमारा। तो वो इग्निशन वायर ढूंढने के लिए हमें जो हमें डायरेक्ट वायर मिली है, अब ऐसा छोटा सा वायर हमें ले लेना है, कट करके एक वायर इसमें डालना है और दूसरा जो वायर है हमें बाकी के कपलर में डालना है जो चाबी के पीछे से आ रहे हैं। ये देखिए इसमें डालने से डैशबोर्ड में लाइट आ रही है, मतलब हमारा ये वाला जो है इग्निशन वायर है, ये इसी में हमारी रिले लगेगी और इसी में हमारा ऑरेंज वायर लगेगा। तो ठीक है, हमें ये वायर मिल चुका है, तो अब हम इसमें वायरिंग करेंगे। उसके बाद ये जो सॉकेट है ये हमने खोल लिया। अब ये जो इग्निशन वायर है इसमें एक लॉक बना रहता है, इसमें कुछ भी एक पतली सी चीज़ डालेंगे तो ये वायर बाहर आ जाएगा। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं एक बार। रिले का जो वायर है ये 2012 मॉडल है, तो हमने वायर निकल नहीं रहा था तो हमने कट कर दिया। और रिले का एक ग्रीन जो है एक साइड जोड़ दिया इसके इग्निशन के, दूसरा ग्रीन दूसरी साइड जोड़ दिया। ये रिले का जो वाइट वायर है ये इसमें डायरेक्ट सप्लाई में दे दिया। और डिवाइस का जो रेड वायर है ये जो डायरेक्ट सप्लाई में दे दिया, ये दोनों डायरेक्ट सप्लाई में जाएंगे वाइट और रेड। अब रिले का बचा येलो वायर, ये हमने डिवाइस के येलो के साथ दे दिया है। डिवाइस का ऑरेंज ये ग्रीन के साथ दे दिया है। हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप हमारा डिवाइस परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, अमेजन के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।